न फेरे न मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर न शादी की रस्म। इन रस्मों को छोड़कर सीहोर में एक दंपत्ति ने एक अनूठा विवाह रचाया, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान की शपथ लेकर शादी की है और जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लेकर वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं। जी हां, यह मामला है मध्य प्रदेश के सीहोर का, जहां पर एक नवदंपति ने एक अनूठी शादी की, जिसे लोग देखते ही रह गए। बारात में दूल्हा हाथ में संविधान की किताब लेकर चल रहा था और वर वधु के स्टेज पर पहुंचने पर बौद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चित्र रखे हुए थे, जिसको साक्षी मानकर उन्होंने शादी संपूर्ण की। ऐसी शादी की सब जगह चर्चा हो रही है और यह लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सम्यक आजीविका संतुष्ट रखूंगा। मैं अपनी पत्नी को बाबा साहब से मैं अपनी पत्नी को शादी की है। मेरे भाई की शादी बाबा साहब से ही हमारा सब कुछ है और बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ही हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान है। तो निश्चित ही संविधान ही हमारा सब कुछ कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने संविधान को साक्षी मानकर आज शादी की। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बड़े भाई और हमारे महापुरुषों से ही प्रेरणा मिली है। शादी की है, मेरे भाई की शादी हुई है, तो उसमें हमने संविधान की शपथ दिलाई, संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान की शपथ लिए, क्योंकि संविधान को ही हमें देश में जब जन जन तक संविधान को लोग जानेंगे। और मैं अभी कल परसों एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें ये देख रहा था कि पिछले कई दिनों में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब संविधान हो गई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग आज संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संविधान की तरफ जितना देश बढ़ेगा तो अनूठा ही होगा और अच्छा होगा।